दोस्तों, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि जो पहले स्लॉट्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जो पैटर्न होता है, उनका जो लेवल होता है, वही सेम पैटर्न और लेवल जो है अगले स्लॉट्स के पेपर्स में होता है। तो अगर आपका भी अभी एग्ज़ाम 17 तारीख को है, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उन्हें किस तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि अगला पेपर जो है 16 तारीख में है, 16 सितंबर में है, और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे स्कोर करें, तो आपको यह वीडियो निश्चित ही देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं और भी कुछ जो भी टॉपिक्स से पेपर आया था, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी पर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमें कुछ पहले कुछ स्लॉट्स से मिले हैं, उनके सभी वीडियो मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 9 सितंबर के पार्ट फर्स्ट में स्लॉट वन और स्लॉट में जो इम्पोर्टेंट नंबर सीरीज पूछी गई थी, उसे कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं कम से कम समय में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है 89, 88, 85, 78, 63। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है, धीरे धीरे नंबर जो हैं कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे नंबर कम हो रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्शन है, और अगर एक साथ कुछ ज़्यादा कम होते या हाफ होते तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। और अगर तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। कोई भी आपको कोई इजी क्वेश्चन है या आपको लग रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, तो आपका आप जो है उसका दो संख्याओं के बीच के अंतर का निकालते चलिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखेगा कि 1 माइनस हुआ, यहाँ पर जो है 3 माइनस हुआ, यहाँ पर जो है -7 माइनस हुआ, और यहाँ पर आपको -15 देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या होता है, बट यहाँ पर आपको देखने से मिल रहा है 1 -3 -7 -15, बट हमें यहाँ पर कोई एक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम एक बार फिर से डिफरेंस करते हैं, हो सकता है हमें कुछ पैटर्न मिल जाए, नहीं तो हम दूसरी मेथड ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हुआ हमारा -2 हुआ है, यहाँ पर फिर से सॉरी, यहाँ पर फिर से -2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर -4 हुआ है, और यहाँ पर देखें तो -8 हुआ है, मतलब यहाँ पर जो हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, और 8 का डबल जो है निश्चित ही यहाँ पर 16 होगा। तो 16 और ये 15 जो है जुड़ जाएंगे, तो यहाँ होगा -31, 63 में से 31 जाएंगे हमारे आ जाएंगे 32। दोस्तों, अगर आप यह क्वेश्चन जो है आसानी से 2 मिनट के अंदर करना चाहते हैं, तो आपकी जो है कैलकुलेशन निश्चित ही फास्ट होना चाहिए, और इसको आपकी आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। अब सेकंड नंबर की बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमें देख रहा है 5, 28, 47, 64, 77, यहाँ पर भी जो है असेंडिंग है, और नंबर्स जो हैं शुरुआत में जो है एक साथ बढ़ रहा है, बट उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम इसके डिफरेंस निकालें, क्या आएगा हमारा, 5 में से 28 गए, 5 में से 28 गए हमारे पास आए 23, 28 में से 47 गए आ गए 19, और 64 में से 47 गए 17, और 77 में से 64 गए, सॉरी 77 में से 64 गए हमारे आ गए 13। अब हम यहाँ पर अगर कोई पैटर्न देखें, तो हमें ये जो है सभी अभाज्य संख्या दिख रही है, जो कि किसी भी स्वयं संख्या से और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखें 23, 19, 17, 13, और यहाँ पर जो अगली संख्या रहेगी वो 11 रहेगी। तो 77, सॉरी ये प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो 77 और 11 जो हो जाएगा हमारा 88। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 88। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, थर्ड
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7, 4, 5, 12, यहाँ पर जो है संख्या जो है कम हुई है, उसके बाद मगर जो है बढ़ती गई है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं है कुछ गुणा हो रहा है और फिर ऐड होना है, कि संख्या एकदम से घट गई है और एकदम से बढ़ गई है। मैं आपके लिए इन सीरीज को कैसे अच्छे आसानी से सॉल्व करना चाहिए, मैं इसके लिए एक वीडियो जो है सभी टाइप की सीरीज के पैटर्न को कैसे आप उसे जज कर सकते हैं, कैसे आप उसे आसानी से समझ सकते हैं कि किस टाइप की सीरीज है और कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो 7 का जो है इसे सॉल्व करें तो देखें 7 × 1/2, फिर प्लस यहाँ पर कर देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा, देखें एक बार, 7 × 1/2 × 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब 4 का 1 में गुणित करें, +1 = हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 5 × 2 × 2 = हो जाएगा 12, और 12 × 3 × 3, 12 × 3 = 36, और 1 मिनट, 12 × 2 = 24। यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ पर था आधा, उसके बाद हो गया इसका आधे का डबल हो गया हमारा 1, और 1 का डबल हो गया 2, और 2 का डबल होगा 4, और ये हो जाएगा 12 × 48, 48 + 4 = 52, 52। अब 4 का डबल हो जाएगा 4, 8 + 8, अब इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 8 × 2 = 16, और 4 × 2, ये हो जाएगा हमारा 4 × 2 = 4, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा 4 × 2 = 4। अब चौथा क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर हम देखें कि 6, 4 यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पर बढ़ गया, और फिर यहाँ पर बढ़ गया, मतलब अभी जो है हमें पैटर्न सेम इस वाला टाइप का लग रहा है कि कुछ गुणा हो रहा है और फिर कुछ जुड़ा रहा है, कुछ गुणा हो रहा है और फिर कुछ जुड़ा रहा है। तो एक बार फिर हम यही पैटर्न देखें, अगर सॉल्व करें जो हमने थर्ड वाले में किया था, तो यहाँ पर देखें 6 × 1, अगर हाफ करेंगे उसका तो क्या होगा, हाँ सॉरी, ये वाला सेम पैटर्न देखें, 6 × 1/2 = 3 और 1, 4 यहाँ पर फॉलो हुआ है। अब इसके बाद देखें 4 × सॉरी बट यहाँ पर चलो ये वाला देखते हैं, 4 × 1/2 = 5, यहाँ पर आधा था, यहाँ पर ये वाली जो है संख्या सेम है और यहाँ पर जो है ये बढ़ रही है। अब इसके बाद देखें 5 × 2 = 1, यहाँ पर 1 था, फिर ये 2 हो गया, ये वाली संख्या अभी भी सेम है, तो ये आ गया हमारा 11, जो 11 यहाँ पर दिया है। अब देखें 11 यहाँ पर 2 था, या तो 4 देखें या 3 देखें, बट हम यहाँ पर देखें अगर 11 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 44 + 1 = 44, मतलब ये गलत है। हम यहाँ पर 11 × 3 + 1 = हो जाएगा 34, मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये गलत है। अब हम दूसरा पैटर्न देखें, तो यहाँ पर देखें अगर हम बात करें 6, 4, 5, 11, 39, और ये 6 × दूसरा पैटर्न हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 × 1 - 2, यहाँ पर भी 4 आ सकता है, हाँ भाई 4 आ गया ये। अब यहाँ पर अगर देखें कि 4, 4 × 2 - 3, तब 5 आएगा, हाँ ठीक है आ रहा है हमारा। अब यहाँ पर देखें तो 1 था यहाँ पर, ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 3 - 4, 5 × 3 = 15, और 1 = 4, यहाँ पर 11 आ गया हमारा, 11 × 4 - 5 = 39, सही आ रहे हैं अभी तक तो हम, और ये आ गया हमारा 39 × 5, 4 और 1 = 5, और ये 7, और ये हो जाएगा हमारा 5 × 45, 5 × 3 = 15, और ये हो जाएगा हमारा
189। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस वाले हमने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं पांचवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे संख्या माइनस हो रही है, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 190, 194। अब हमें ये समझना है कि इसमें से या सब्ट्रैक्शन हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड करें हम 190 को 2 से, अगर यहाँ पर करके देख लेते हैं 190/2 एंड हम 18 95 हो रहा है, 95 में से गए इक्वल टू 94। अगर 94/ फिर 2 करें और फिर माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 8 और 2 × 7 = 14, और यहाँ पर 2 हुआ माइनस, सॉरी 3 हुआ माइनस, तब आ गया हमारा, नहीं यार दोस्तों 1 ही हुआ है, तो ये हो गया हमारा 46। अब 46/2 इक्वल टू 23 − 1 = 22, ये भी हमारा सही है, अभी तक तो सही जा रहा है हम। अब 22 को माइनस भागित करें 1, 2 से और फिर माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 11, 11 में से एक गया, ये आ गया हमारा 10। अब 10 को फिर भागित करें 2 से, माइनस 1 करें तो आ गया 4, तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 10 दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम बात करें स्लॉट 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और लेवल उनका कितना था। ठीक है, तो जैसे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि वाकई में जो मैं कह रहा था वो सच है या झूठ है। ठीक है, यहाँ पर अगर अब हम देखें स्लॉट 2 के क्वेश्चन के, तो यहाँ पर दिया है आपको पहली सीरीज में 519, 517, 509, 483, 403। यहाँ पर भी जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे संख्या जो है कम होती जा रही है। अब संख्या जो है ज़्यादा कम नहीं हो रही है तो डिवाइड का रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर देखें 519 में से 517 गए -2, 517 में से 509 गए -8, 509 में से 483 गए, ये जाएंगे हमारे, सॉरी एक मिनट, ये जाएगा 13, 17, 17 और 9, 26, और यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा हमारा 80। यहाँ पर भी माइनस हो रहा है। अब इसके बाद हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से हम माइनस करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर होगा हमारा -6, ये हो जाएगा 18, -18, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 80 में से 56 गए, हो जाएगा 54। यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 हुआ, 6 × 3 हुआ तो 18 हो गया, 18 × 3 हुआ तो 54 हो गया, 54 × 3 होगा तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी 3 × 12, यहाँ पर आ गया 162। अब 162 और 80 जुड़ेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2, 8 × 6 = 14 और ये 242। अब 403 में से 242 गए तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 1, 10 यह आ जाएगा हमारा 161। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन आए थे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या सिंपल डिवाइड करना है, या सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा आपको और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब सेकेंड नंबर की बात करें सेकेंड सीरीज की, तो यहाँ पर आपको देखेगा 27, 38, 51, 68, 87। ठीक है, अब इसे सॉल्व क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे संख्या बढ़ रही, मतलब ये निश्चित लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर आपको जो है एडिशन मिले। 27 और 11 जो होते हैं हमारे 38 होते हैं, 38 और 13 जो होते हैं 51 होते हैं,
51 और 17, 68, 68 और ये हो जाएंगे हमारे 19 और 19 और ये 23। यहाँ पर भी ये आपको प्राइम नंबर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जो पहले स्लॉट्स में जो क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ऐसा हुआ था, माइनस माइनस हुआ था, यहाँ पर भी प्राइम नंबर था, सेम सेकेंड स्लॉट में हुआ, ठीक है। और यहाँ पर 87 और 23 जो हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 110। तो हो सकता है कि आपको सभी स्लॉट्स में सेम ऐसा पैटर्न देखने को ना मिले, मगर लेवल यही रहेगा और आप आसानी से, एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप निश्चित ही 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, 1094-365-122-4114। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि संख्या जो है एकदम से कम हो रही है। अब 1094 था, उसमें से कुछ कम हुआ, 365 फिर कम हुआ, तो ये हो गया, फिर ये हो गया, मतलब यहाँ पर जो है डिवाइड वाला रूल हो सकता है। अब अगर हम इस साइड से देखें, 14 × 3 होगा हमारा 42 − 1, तो ये आएगा हमारा 41। अभी यहाँ पर क्या हुआ था, 14 × 3 − 1 = 41, 41 × 3 − 1 = 122। हम वो सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर माइनस 1 करेंगे, इसके बाद 122 × 3 − 1 = हो जाएगा हमारा 366 − 1 = 365। अब हमें निकालना है, अब इस तरीके से ये तो हमें पता चल गया कि पैटर्न जो है ये वाला फॉलो हो रहा है। अब हमें ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे हमें 14 प्राप्त हो। अगर हम करें 5 × 3 में, 5 × 3 = 15 और −1 = 14, मतलब यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह हमें 5 मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं चौथे वाले नंबर सीरीज की। तो यहाँ पर देखें, 7 है, 7 के बाद संख्या कम हुई, फिर कम हुई, फिर बराबर हुई, फिर जो है बढ़ गई। इसका मतलब हमें लगभग वैसा ही फंडा देखने को मिल रहा है जो हाफ करते हैं संख्या को, देखिए 7 का आधा हो जाएगा 3.5, 3.5 में फिर आधा जोड़ेंगे, 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, मगर यहाँ पर हो सकता है माइनस हो, 3.5 में से माइनस किया आधा तो हो जाएगा 3। एक बार सॉल्व करके देखते हैं, 7 × 1/2 − 1/2 तो हो जाएगा हमारा 3। अब 3 × 1 − 1 = 2, हमें ये वाली संख्या मिल गई। यहाँ पर आधा था तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आधा था तो ये 1 हो गया। अब 2 × 2 − 2, मतलब संख्या जो है बढ़ती जा रही है, एक थी यहाँ पर भी 2 हो गई, 2 मतलब डबल हो रही है, तो ये आ गया हमारा फिर से 2 × 2 = 4 − 2 = 2, हमारा मिल गया ये। अब फिर हम देखें, 2 × 4 होगा शायद, 2 × 8 और 4, ये आ गया हमारा 4, मतलब ये संख्या मिल गई। अब 4, ये 4 था यहाँ पर, यहाँ पर 2 था तो इसका डबल हुआ 4, अब ये 4 है तो इसका डबल होगा 8 और इसका भी डबल होगा तो 8, 4 × 8 = 32, 32 में से फिर 8 गए तो ये आ गया हमारा 24, तो आंसर आ गया हमारा 24। अब बात करें पांचवा क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको 1.5, 3.5, 10, 34, मतलब यहाँ पर जो है संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर देखें तो संख्या काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही, मगर यहाँ जो है संख्या एकदम से बढ़ रही है। अब जैसे 1.5 का अगर 2 गुणित करें तो क्या हो जाएगा, 3, 3 में आधा जोड़ेंगे 3.5, 3.5 का अगर 2 गुणित करते हैं तो हो जाएगा 7 और प्लस 3। यहाँ पर फिर एक बार हम देखते हैं पैटर्न कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, 1.5 × 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 1.5 × 2.5 = ये हो जाएगा हमारा 3.5, ये भी हो जाएगा 3.5। तो दोस्तों आपको जब भी क्वेश्चंस आए तो आपको इस तरीके से जो है हो सकता है 2 से 3 टाइप से आपको सॉल्व करना पड़े,
मगर क्वेश्चन इजी है तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके देख सकते हैं। अब ये पांचवा क्वेश्चन जो है ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप सॉल्व करें और मुझे बताएं आपसे हुआ कि नहीं और इसका आंसर कितना आएगा। मैं आपको लास्ट में जो है आपको इसका आंसर बता दूंगा, कल परसों मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की कोई मैं समस्या या आपका हेल्प कर सकता हूँ या आपको मेरी कोई ज़रूरत है तो बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। और आज के लिए इतना ही, मैं कल आपके लिए थर्ड और फोर्थ स्लॉट के वीडियो नंबर सीरीज लेकर आऊँगा और स्लॉक्स भी लेकर आऊँगा, पजल भी लेकर आऊँगा, इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग सभी टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपको आने वाली एग्ज़ाम के लिए दे दूंगा। साथ में जो है IBPS क्लर्क की स्ट्रेटजी और किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आ सकते हैं वो सब चीज़ें आपको मैं वीडियो के द्वारा समझा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।